हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत इस नई वीडियो में। और पिछले वीडियो में मैंने लॉगिन में रुका था, लेकिन अभी क्या हुआ है, लॉगिन में टाइम लग रहा है। अभी वो जो डेटाबेस का वीडियो उसमें टाइम लगेगा आने को उस वीडियो को। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टार्ट करेंगे। तो जो है, हम आज वेब ब्राउज़र आपको मैं क्रिएट करके दिखाऊँगा, पूरा वेब ब्राउज़र बताऊँगा आपको, एक से एक चीज़ें उसमें क्या क्या होती है सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा विद कोडिंग। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस किसी को भी एंड्रॉयड सीखने का शौक है और सीखना है उसको, तो इस चैनल पे भेज देना और सब्सक्राइब करने का बोलना उसको, मैं सिखाता रहता हूँ आपको। अभी आई 3-4 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, अभी आती रहेंगी ऐसी वीडियोस। और जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि और कुछ वीडियो लाऊं। तो आप उतना मेरा काम कर देना, मैं आपके लिए बैठा हूँ यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि वेब ब्राउज़र आप कैसे बनाते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डायरेक्टली न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ एम्प्टी एक्टिविटी, नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक नाम डाल देता हूँ, माइन ब्राउज़र ऐसा डाल देता हूँ एक नाम। आप कोई भी डाल सकते हो, यहाँ पर मैं API 23 रखता हूँ, आप कोई भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं जो डिज़ाइन वगैरह बताऊँगा वो सपोर्ट होगी आगे के वर्जन्स पे, पिछले वाले पे नहीं सपोर्ट करेगी। तो आप 23 रख सकते हो या फिर 21 भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। यहाँ पर जावा सेलेक्ट कर लेना, कोटलिन हो तो। और बाकी आपका यहाँ पर पैकेज नेम, आपका जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है क्या होता है पैकेज नेम, तो आप यहाँ से अपनी वेबसाइट का जो डोमेन होता है वो यहाँ पर डाल लीजिए। और आगे आपका जो ऐप का नाम है वो डाल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आपका विंडो ओपन हो जाएगा, पता है आपको, नहीं पता तो देख लीजिए। विंडो ओपन होता है और जो स्कैनिंग वगैरह होती है फाइल की वो स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मेरा क्या है, मैं अभी बिना ग्राफिक कार्ड का पीसी चला रहा हूँ, उसकी वजह से मैं इम्यूलेटर भी नहीं यूज़ करता। इम्यूलेटर की बात छोड़ो, यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो भी डायरेक्टली मैं फिज़िकल फ़ोन पर रन करता हूँ, उस पर भी टाइम लगता है क्योंकि मेरी रैम है 4GB और कॉन्फ़िग इतना अच्छा नहीं कि रन हो पाए जल्दी से। तो आपका कॉन्फ़िग अच्छा है तो आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर, आपको सिर्फ पता था वो क्या क्या करना है। तो आप सिंपली वैसे ऐसे करते जाइए, आपका ऐप रेडी। सिर्फ आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। यहाँ पर जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड मॉडल हो रहा है। यहाँ पे ये जो होता है लोडिंग होता है, सब जो फाइल्स होती है वो इकट्ठा होकर सब कोडिंग वगैरह चेक होती है, क्या 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 सही है क्या गलत है, वो ऑटोमेटिकली होता है, आपको कुछ उसमें दखल देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता, यहाँ पर ये सब निकल नहीं जाता और यहाँ पे फाइल नहीं आ जाती, तब तक आपको कुछ नहीं करना है इसमें। अगर आपको पाइथन भी सीखनी है, पाइथन लैंग्वेज, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी से, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, अभी थोड़ा बहुत सीखा है मैंने, तो उसके हिसाब से मैं आपको सिखा दूंगा क्या क्या होता है पाइथन में भी। तो अभी मैंने भी इंस्टॉल किया है सॉफ्टवेयर वगैरह, उसका भी आपको मैं इंस्टॉलेशन बताऊँगा उसमें। इस एंड्रॉयड की तरह नहीं करूँगा, तो उसका इंस्टॉलेशन आपको दिखा दूँगा कैसे होता है। लैंग्वेज तो मुझे आती है, HTML, जावा, C++, VB.NET भी थोड़ी बहुत आ जाती है। तो आपको जो लैंग्वेज के लिए आपको चाहिए चैनल पे वीडियोस, तो आप मुझे कमेंट कीजिए उस लैंग्वेज का नाम, मैं जब टाइम मिलेगा तब उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताऊंगा एक वीडियो में। और अगर लगता है कि स्टार्ट करना चाहिए उसके ट्यूटोरियल्स भी, तो उसके भी ट्यूटोरियल्स स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अपना नाम चैनल के नाम में ही है फुल टाइम कोडर, तो अपन फुल टाइम कोडिंग ही करता रहता है। तो आप बताइए कमेंट में। यहाँ पर मैंने इतनी चर्चा कर ली फिर भी लोडिंग ही हो रहा है अभी तक। क्या होता है, जब तक मैं यहाँ पर बिना कोई एप्लीकेशन चलाई इसे यूज़ करता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो को, तभी बढ़िया से चल जाता है। लेकिन क्या होता है, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ऊपर से अभी मैं इम्यूलेटर ऑन करूँगा, मतलब मेरा फ़ोन का ही स्क्रीन यहाँ पर दिखाऊँगा आपको पीसी पे, तो उसकी वजह से ये लैग हो जाता है और स्लो हो जाता है। तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, अभी ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आपने पिछले वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाएगा क्या होता है एंड्रॉयड, क्या होता है उसमें जो कंपोनेंट्स है, किस तरह से APK फाइल बनती है, सारा आप देख लीजिए। तो अभी जो हमारा है एप्लीकेशन अभी रेडी हो गया है, एप्लीकेशन में रेडी हो, उसका जो सक्स बिल्ड प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी यहाँ पर आपको मिलती है एक्टिविटी मेन, और ये जो ये डिज़ाइन फाइल होती है, और ये जावा फाइल होती है। तो अभी यहाँ पर डिज़ाइन फाइल में हम सिंपली डायरेक्टली कोड टाइप करेंगे।
यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया आपको कंस्टेंट लेआउट से अच्छा आप लीनियर यूज लेआउट यूज कीजिए। लीनियर लेआउट लेता हूँ मैं यहाँ पर, लीनियर लेआउट ओके। यहाँ पे मैच पेरेंट रखना है इसको, क्योंकि ये हमारी पेरेंट लेआउट है। इसका ओरिएंटेशन देखिए हम वर्टिकल, उसके बाद दूसरे लीनियर लेआउट लेंगे जो हम एड्रेस टाइप करेंगे उसके लिए। इसको मैं मैच करता हूँ और हाइट रैप करूँगा। इसका ओरिएंटेशन हम रखते हैं हॉरिजॉन्टल, और इसमें हम लेंगे एक इमेज बटन जो होम बटन होता है, डायरेक्टली होम पेज पे चला जाता है वो। यहाँ पर मैं लेता हूँ src@android, इसमें है या होम ड्रॉएबल नैनो होम नहीं है शायद, इसमें होम नहीं है तो ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए आपको क्या नहीं कुछ नहीं करना है, यहाँ पे RIS फोल्डर में जाना है, ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे वेक्टर एसेट पे क्लिक करना है। आपको अलग से एंड ऐप आइकॉन जो है वो डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वेक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है आपकी जो फ़ोन की साइज़ है वो किस तरह से फिट बैठना उसमें, और आप उसको कितना भी बड़ा छोटा कर सकते हो। अगर आप इमेज डाउनलोड करेंगे आइकॉन की तो वो कभी बड़ी करोगे आप तो फट जाएगी, ब्लर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन में किसी भी। तो यहाँ पर मैं दिखा था आपको, यहाँ पर मैं डालता हूँ होम, यहाँ पे आ गया होम, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो मेरे रहने था उसका नाम और फिनिश, तो अभी मैं डाल लेता हूँ यहाँ पर होम, आ गया होम। इसका मैं बैकग्राउंड निकालता हूँ, background@android ट्रांसपेरेंट। इसको मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी home_btn के होम बटन हो गया। इसको मैं पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग दूंगा तो अच्छा दिखेगा। यहाँ पर पैडिंग, इसके बाजू में हमें एड्रेस बार देना है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एडिट टेक्स्ट। सिंपल के लिए आप अपने हिसाब से दूसरा लगा सकते हो, जैसे टेक्स्ट इनपुट लेआउट हो गया, टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट हो गया, वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपल आपको बताऊँगा किस तरह से आप बना सकते हो ब्राउज़र को। यहाँ पर मैं इसे मैच करता हूँ, इसे रैप करता हूँ, इसे भी आईडी दे देता हूँ एड्रेस इनपुट के, इसमें हिंट देता हूँ वेबसाइट, एंटर URL हियर। इसकी टेक्स्ट साइज देता हूँ मैं 17 SP, और सॉरी आईडी दे देता इसका मैंने ऑलरेडी। यहाँ पर देख सकते हो अभी ऊपर जो क्रिएट हो गया हमारा एक होम बटन, और उससे बाजू में हमारा यूआर एड्रेस बार। तो अभी ये जो टेक्स्ट भी इसे हम निकालते हैं, और अभी हमें मेन जो चाहिए जिसमें हम वेब पेज डिस्प्ले करते वो है वेब व्यू ओके। वेब व्यू में भी बहुत सारे टाइप्स है, तो यहाँ पर मैं सिंपल वेब व्यू ले रहा हूँ। एडवांस वेब व्यू होती है, लेकिन वो आपको अलग से लाइब्रेरी ऐड करके करनी होती है ऐड। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसे यूज कर रहा हूँ, तो इसको भी मैच करूँगा, पूरे स्क्रीन को फिल कर जाएगी इस तरह से। आप यहाँ पर देख सकते हो ऊपर आ गया होम बटन, एड्रेस बार, और यहाँ पे हमारा वेब पेज डिस्प्ले होगा। इसको अभी मैं एक आईडी दे देता हूँ, वेब व्यू, web_view। आप कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं इसमें। तो हमारा हो गया डिज़ाइन, अभी एक सिंपल डिज़ाइन रेडी हो गया। अभी हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे और डिफाइन करेंगे सारे जो हमने वहाँ पर लिए वो यहाँ पर लेंगे। तो अभी पहले लिया था होम बटन, तो उसके लिए हमने इमेज बटन यूज किया है। टाइप करना है आपको थोड़ा बहुत, आपको 2-3 कैरेक्टर टाइप करने हैं, बाद में आ जाएगा। एंटर प्रेस कीजिए, वो लाइब्रेरी के साथ ऐड हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट में। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ होम BTN ओके। दूसरा हमने लिया था एडिट टेक्स्ट एड्रेस इनपुट, उसके बाद लेंगे हम वेब व्यू। अभी हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया, हमें हम इसे इनिशलाइज करना है, हमें मतलब इस होम बटन से कनेक्ट करना है, वैसे ही सारे इन दोनों को भी कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे वो ऊपर का कीवर्ड लेना है आपको, उसके बाद यहाँ पर डालना है FVV मतलब फाइंड वी आईडी, ये शॉर्टकट है इसका, R.id. वहाँ का जो हमने आईडी टाइप किया है वही आपको यहाँ पर लेना है।
मैच ही करना है आपको। अगर आपने दूसरा आईडी कोई भी लगा दिया और अगर वो फाइल में नहीं होगा और वो मैच नहीं होगा, क्लास उसका सेम क्लास नहीं होगा, तो एरर दिखाएगा। आप जब भी ऐप रन करोगे, अगर रन करते वक्त एरर नहीं आया तो जब आप फ़ोन में ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करेंगे तो तब आपको वो रन टाइम एरर दिखाएगा। तो यहाँ पर दूसरा लेते हैं हम एड्रेस इनपुट, इसको भी हम डिक्लेयर कर इनिशियलाइज करेंगे एड्रेस इनपुट के साथ में। और लास्ट में आ गया हमारा वेब व्यू, इसको भी हम यहाँ पर लेंगे r.id.webview। ओके, तो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिए, लेकिन अभी जो ऐप है वो किसी काम का नहीं है, मतलब सिर्फ हमने डिज़ाइन की है, उसमें कोई लॉजिक नहीं लगा है। अभी कोई वेब पेज वगैरह लोड नहीं होगा, उसमें ब्लैंक रहेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें पहले तो एक वेबसाइट लोड करते हैं, जैसे कि google.com। तो हम यहाँ पे वेब व्यू की जो वेब मेथड होती है डॉट देना है आपको, और यहाँ पे आ जाएगी लोड URL। इसमें आपको सिंपली टाइप करना है https://google.com। ओके, तो अभी हम इसे रन करके आपको दिखाते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। तो अभी जो है फ़ोन रेडी है, मैं यहाँ पर रन करता हूँ एप्लीकेशन को और देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। मैं फ़ोन में इंटरनेट को ऑन कर लेता हूँ। मैं इसका जो पावर सेवर मोड ऑन कर लेता हूँ, मतलब फास्ट होगा ये, बैकग्राउंड में जो लोडिंग वगैरह है वो नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने पावर सेवर मोड ऑन कर लिया है, तो यहाँ पर जल्दी से हो गया रन। यहाँ पे ये जो मेरा भी फ़ोन है रेडमी का, इसी वजह से पूछ रहा है। इसमें अलग सा प्रोटेक्शन देते, पता नहीं किस चीज़ के लिए देते प्रोटेक्शन। यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन, और यहाँ पे दिख रहा है https://google.com could not be loaded because error cache miss। ओके, तो अगर आपको ऐसा कुछ एरर आता है तो आपको कुछ मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सीधा जाइए ब्राउज़र पर, वो आपका ब्राउज़र नहीं, आपके जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आता है, मतलब क्रोम हो गया, एज हो गया, किस पर भी जा सकते हैं। गूगल पे जाइए, तो काम करता हूँ मैं अपने फ़ोन के ब्राउज़र को ही ट्राई करता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इतना सब कुछ यूज कर रहा हूँ इसकी वजह से। यहाँ पर मैं ब्रेव यूज कर रहा हूँ, इसमें मैं डालता हूँ अभी google.com। हमारा पीसी का भी ओपन हो गया, लेकिन लैग हो जाएगा पीसी, तो इसके वजह से मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर डालता हूँ वेब व्यू, और जो हमारा एरर है वो डालता हूँ यहाँ पर एरर कैशे मिस, यहाँ पर आ गया। तो सिंपली आप टाइप करेंगे तो उसके बाद आपको पहला ही ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, स्टैक ओवरफ्लो में आपको सब एरर के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो ये इसका कारण ये है कि हमने जो परमिशन है वो नहीं दी थी, मैंने इसकी वजह से ही नहीं दी थी कि आपको पता चल जाए कि कैसे एरर आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ यूजर्स ने ऑल, एक काम करता हूँ, मैंने जो पावर सेवर मोड ऑन है उसे ऑफ करता हूँ, तभी वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इंटरनेट
तो आप ऐप यूज़ करते हो तो उसमें इंटरनेट, बहुत सारे ऐप में इंटरनेट तो यूज़ होता ही है, तो ऐप पर आपके क्या करना है, परमिशन होती है इंटरनेट की। अगर आप उसके परमिशन को नहीं ऐड करोगे अपनी अपनी एप्लीकेशन में तो वो परमिशन नहीं लेगा और आपको एरर दिखाएगा। तो परमिशन ऐड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर जो मैनिफेस्ट का जो आता है उस पर डबल क्लिक करना है। आपको यहाँ पे मैनिफेस्ट XML फाइल ओपन हो जाएगी और ये जो लाइन है यहाँ पर आपको डालनी है। तो यहाँ पर मैंने इंटरनेट की परमिशन ली है। यहाँ पर बहुत सारी परमिशन होती है, जैसे स्टोरेज की हो गई, मैं दिखा था आपको स्टोरेज, यहाँ पे देख सकते हो रीड राइट मैनेज। तो इस तरीके से आप कोई भी परमिशन यहाँ पे डाल सकते हो। आपको अगर मल्टीपल डालनी है, मतलब कैमरे की डालनी है, स्टोरेज की डालनी है, तो आप एक नीचे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो अलग अलग उस तरीके से। अभी मैं फिर से इसे रन करता हूँ, यहाँ पे फिर से पावर सेव मोड ऑन कर लेता हूँ और एक बार रन मारता हूँ। तो अभी जो है वो रन होकर आपको वेब पेज भी दिखाएगा फ़ोन में। तो अभी एप्लीकेशन ओपन हो गया है और यहाँ पे दिखा रहा है ओपन विथ। तो यहाँ पर ये तो वही बात हो गई, हमारे पास है फिर भी हमें दूसरे की तरफ भीख मांगनी पड़ रही। तो उसके लिए मैं बता दो आपको क्या प्रॉब्लम है उसका। तो यहाँ पर हमने वेब व्यू तो लोड कर ली है, लेकिन वेब व्यू को हमने हमारे वेब व्यू के वेब क्लाइंट के साथ कनेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर मैं वो भी कनेक्ट कर लेता हूँ, वेब व्यू डॉट सेट वेब व्यू क्लाइंट, और यहाँ पे वेब व्यू क्लाइंट सेट कर देता हूँ। इसमें आपको बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पेज स्टार्टेड हो गया, उसके बाद पेज फिनिश हो गया, और ये जो होता है शुड ओवरराइड यूआरएल लोडिंग। ये जब ये वर्क तभी करता है जब आपका जो पेज है वो डिटेक्ट कर रहा है कि कौन सा आपका HTTPS है, FTP है, व्हाट्सएप है, एप्लीकेशन है, किस टाइप का आपका URL है, वो इस मेथड में डिटेक्ट होता है। तो अभी हमने दे दी वेब व्यू क्लाइंट, हमने सिलेक्ट कर लिया। मैं फिर से एक बार रन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो जो एप्लीकेशन है वो लोड हो गया है, वेब व्यू भी इसमें लोड हो गई है। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारे जो ये बटन है, हमारा जो एडिट टेक्स्ट है वो हमें एक्टिवेट करना है। मतलब इस पर हम कोई भी अगर टाइप करेंगे और एंटर मारेंगे तो वो वेब पेज लोड होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर लोड यूआरएल में हम लेंगे यहाँ पर एड्रेस, काम करता हूँ यहाँ पर वैसे ही रहता हूँ, और एक बटन हमें और ऐड करना चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, कॉपी पेस्ट, और ये जो अभी फुल स्क्रीन हो गई है तो इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ कि आगे इसको हमें बताना है कि आगे भी एक कंपोनेंट है। तो यहाँ पर मैं डाल दिया आ गया यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पे सर्च का बटन क्रिएट कर लेता हूँ, एंड्रॉयड सर्च, सर्च आ गया। मैं इसे काम करता हूँ यहाँ पे सर्च सर्च BTN, और इसकी जो टिंट है यहाँ पर मैं सेट करता हूँ ब्लैक को, तभी वो दिखाएगा सही से। तो रहने दो, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा, दिख रहा है वैसे वो। यहाँ पर मैंने डाल दिया है सर्च बटन, तो इसको भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं सर्च BTN, सर्च BTN, ओके। सर्च BTN को हम ऑन क्लिक लिसनर लेंगे इसका, तो हम डिटेक्ट कर पाएंगे क्लिक हुआ है नहीं। तो क्लिक होने के बाद हम चेक करेंगे कि हमने जो एड्रेस बार में जो एड्रेस डाला है वो एम्प्टी तो नहीं है, वो चेक करेंगे हम। एम्प्टी होगा तो नहीं लोड करेगा। यहाँ पर हम लेंगे एड्रेस इनपुट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग इज
एम्प्टी, तो हमें एम्प्टी हो तो कोई हमें एरर नहीं दिखाना है, सिर्फ नॉट एम्प्टी होगा तो हमें लोड करना। तो यहाँ पर हम लेंगे वेब व्यू लोड यूआरएल और इसमें हम लेंगे एड्रेस इनपुट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। तो अभी क्या होगा, अगर इसमें हम कोई भी अगर कुछ भी डालेंगे तो वो वेब व्यू में लोड होगा, तो हमें उससे प्रिवेंट करना है। तो हमें अगर वेबसाइट में सिर्फ गूगल हमने सिर्फ वहाँ पर google.com डाला और उसे डिटेक्ट करना है कि ये वेबसाइट है, तो हमें उसके लिए https भी लेना है और अलग सा .com .net जो होता है वो भी डिटेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर कोडिंग कर लेते हैं इफ़, पर मैं इसका स्टैटिक बना लेता हूँ, मतलब हमें पता भी चलेगा कि मतलब अलग अलग हर टाइम अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं तो एड्रेस इनपुट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, इफ एड्रेस कंटेंट्स HTTP और HTTPS दोनों हमें चेक करने हैं। एड्रेस में दोनों भी होने चाहिए, HTTP भी होने चाहिए और HTTPS दोनों भी, मतलब ये HTTP नहीं होगा तो HTTPS चेक करेगा, नहीं होगा तो उसके बाद इफ एल्स की जो स्टेटमेंट है वो होगी। देन वेब व्यू लोड URL, तो उसके पहले हम HTTP डालेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे HTTP:// एंड उसके बाद हम उसको कॉनकैट करेंगे, मतलब जो हमने एड्रेस डाला एड्रेस बार में उसको हम ज्वाइन करेंगे HTTP के साथ में। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है वैसे HTTP डालोगे आप, अगर उसको HTTPS सर्टिफिकेट होगा तो ऑटोमेटिकली वो भी डिटेक्ट हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पर मैं और एक कंडीशन लेनी होगी हमें, इफ़ एड्रेस देन कंटेंट्स .com .net, इसे हम जो लास्ट में जो डोमेन नेम में जो लास्ट आता है वो डॉट वाला डॉट के आगे का वो हमें यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ एक डेमो के लिए, .com .net और .in ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। चाहे तो आप बहुत सारे इस वैसे ORG है GOV है तो आप अलग अलग वैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर .com .net .in हो गया, अब हमें यहाँ पर मैं रहने देता हूँ इसको और अभी हम रन करके देखते हैं इसे। तो अभी जो यहाँ पर 3 लाइन देख रहे हो आप, मैं इसे सिंगल कर लेता हूँ, 3 दिख रही होगी आपको ऊपर जो भी आपने देखी। यहाँ पर मैं सिंगल लाइन करता हूँ, मतलब एक ही लाइन में सब होना चाहिए, एक के बाद एक लाइन नहीं क्रिएट होनी चाहिए उसमें एड्रेस बार में। और इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ, ऊपर लटकता हुआ ये, तो इसको मैं सेंटर करता हूँ, सेंटर वर्टिकल, और रन करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से अभी ये बिल्ड हुआ है। अभी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो गई है, गूगल भी लॉन्च हो गया है। अभी मैं ऊपर डालता हूँ facebook.com और सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर सर्च हो गया, आप देख सकते हो फेसबुक की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई। अभी मैं यहाँ पर डालता हूँ youtube.com और सर्च करता हूँ, तो सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जो वेब पेज है वो लोड नहीं हो रहा, ब्लैंक स्क्रीन आ गई है। इसके पीछे का भी आपको कारण बताता हूँ, ये जो यूटीपी साइट है वो जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड है और ये जो वेब व्यू होती है वो डिफ़ॉल्ट सेट नहीं होती जावास्क्रिप्ट, तो इसे ऑन करने के लिए मैं कोड आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर डालना आपको वेब व्यू डॉट, तो यहाँ पर मैं पावर शेयर को ऑफ करता हूँ, गेट सेटिंग्स डॉट सेट जावास्क्रिप्ट इनेबल्ड, और उसमें आपको ट्रू डालना है तभी आपका जो जावास्क्रिप्ट है ऑन होगा। अभी मैं फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी जो एप्लीकेशन है ओपन हो गई है, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ youtube.com, अभी मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो अभी जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से ओपन हो गई है, पहले नहीं हो रही थी ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी, अभी जो वेबसाइट ओपन हो गई है। तो अभी मैं आपको एक प्ले करके भी दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने प्ले कर दी
और यहाँ पर देख सकते हो जो आप क्वालिटी वगैरह भी सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सिर्फ जो फुल स्क्रीन का बटन है वो टच नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अलग से कोडिंग होती है। आप चाहे तो गूगल पे इसके बारे में सर्च कर सकते हो, आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में ज़रूर हाथ में लगेगा कुछ कोडिंग, तो वो आप ढूंढ सकते हो गूगल पे। तो अभी मैं यहाँ पर अगर सिर्फ यूट्यूब सर्च करूँगा तो वेब पेज नॉट अवेलेबल का एरर दिखाएगा। तो ये इसकी वजह से दिखाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर एक अलग सी मेथड ट्राई नहीं की है। तो अभी हम लेंगे एल्स, इसमें डालेंगे। अभी हमें क्या करना है, गूगल की जो साइट है उस पर सर्च करना है। अगर हमने HTTPS भी नहीं है उस साइट में और .com वगैरह भी कुछ नहीं, सिर्फ हमने YouTube या फिर गूगल या फिर फेसबुक ऐसा कुछ सर्च किया, तो वो गूगल पे सर्च होना चाहिए। जैसे किसी भी एप्लीकेशन में आपने देखा होगा ब्राउज़र की, जिसमें बहुत सारे सर्च प्रोवाइडर्स होते, सर्च क्या बोलते हैं उसको, सर्च इंजिन्स होते, जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, MSN, Ask.com, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ब्राउज़र एप्लीकेशन में, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हो। तो अभी मैं गूगल पे जाके गूगल डालता हूँ, यहाँ पर यूट्यूब ही सर्च करता हूँ पहले। सिर्फ यूट्यूब सर्च करूँगा और देखते क्या आता है। तो यहाँ पर ऊपर जो URL आप देख सकते हो जिसमें क्वेरी डाली है, तो अभी मैं यूट्यूब के आगे म्यूज़िक भी डाल के दिखा था आपको। तो जैसे मैंने म्यूज़िक डाला तो ऊपर जो क्यू इक्वल टू है उसके बाद आपको यूट्यूब प्लस म्यूज़िक ऐसा दिख रहा होगा, मतलब जो स्पेस होता है बीच का उसमें प्लस डाला जाता है उसकी जगह पे। तो हमें क्या करना है, ये जो URL है हम यहाँ पर उसको लोड करेंगे, और जो हमने सिर्फ नाम डाला मतलब फेसबुक यूट्यूब ऐसे सिंपल सिर्फ नाम डाला, .com वगैरह कुछ नहीं डाला, तो ऑटोमेटिकली गूगल पे सर्च होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये आगे का जो पार्ट है वो निकल लेता हूँ, टोकन वगैरह होता है वो, और यहाँ पे ये भी निकल लेता हूँ, हमें सिर्फ क्वेरी तक चाहिए। और आगे का जो हमने डाला है एड्रेस बॉक्स में वो हम यहाँ पर इनपुट लेंगे, एड्रेस, सिंपली एड्रेस लेना है। और यहाँ पे अगर इसमें HTTP वगैरह होगा कुछ तो वो हमें अवॉइड करना है, तो हम यहाँ पर लेंगे रिप्लेस मेथड का यूज़ करेंगे हम। पहले तो हम HTTP को रिप्लेस करेंगे, मतलब उसको ब्लैंक रखना है, हमें निकाल लेना है वो, उसके लिए हम ब्लैंक रखेंगे कोट्स को दोनों भी। और उसके बाद फिर से एक बार रिप्लेस लेंगे जिसमें HTTPS डालेंगे और उसको हम नल करेंगे। तो इतना करने के बाद मैं रन करता हूँ एक बार, तो अभी जो वेब ओपन हो गया है, मैं यहाँ पर अभी डालता हूँ यूट्यूब और सर्च करता हूँ। यहाँ पर एरर आ गया, एरर नेम नॉट रिजॉल्व, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है शायद इसमें। ऊपर की जो है वो सब सही है, लेकिन उस HTTP, हमने HTTP और HTTPS डाला नहीं, इसका मतलब है जो अभी जो कंडीशन सेटिस्फाई हुई वो एल्स की है, मतलब एल्स का जो ब्लॉक है वो अभी एग्जीक्यूट हुआ है। तो जो लास्ट वाला एल्स है जिसमें हमने HTTP और उसके बाद एड्रेस डाला है, वहाँ पर हमें अलग से कोडिंग करनी होगी तभी वो दिखाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर की जो कोडिंग है एड्रेस कंटेंस .com .net एंड .in इसे हम कॉपी करेंगे और नीचे लेंगे। इस ब्लॉक में हम उस ऊपर वाले इफ ब्लॉक को लेंगे और यहाँ पर डाल देंगे सिंपली, यहाँ पर डाल दिया। अभी जो लोड URL है उसके लिए हमें अलग सा वो नीचे लेना होगा तभी वो वर्क करेगा। तो अभी यहाँ पर .net.com हो गया, अभी नीचे हम लेंगे वो गूगल का URL, वही सिंपली हम नीचे लेंगे, यहाँ पर मैं डाल दिया। अभी मैं रन करता हुए, तो अभी जो एप्लीकेशन है वो रन हो गया है। मैं यहाँ पर अभी डालता हूँ यूट्यूब और सर्च करता हूँ, तो अभी देख सकते हो आप जो यूट्यूब है वह गूगल पे सर्च हो गया और रिजल्ट्स वगैरह सब आ गए नीचे।
तो इस तरह से आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, अगर .com नहीं है या फिर डोमेन का जो स्टार्ट का जो हमें प्रोटोकॉल है वो नहीं है या फिर डोमेन का जो लास्ट .com .net .in होता है वो नहीं है, तो आप सिंपली गूगल पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर एरर कुछ दिखा रहा है, तो हमने मल्टीपल लिया है, मतलब ऊपर भी वही लिया है नीचे भी वही लिया है, तो उसकी वजह से ये वार्निंग दिखा रहा है, लेकिन उसकी कोई टेंशन नहीं होती, आप चेंज कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। वैसे यहाँ पर मैं वैसे ही रहने देता हूँ, कुछ चेंजेस नहीं करता, और अभी जो वो वर्क कर रहा है एप्लीकेशन सही से। इसी तरीके से आप बिंग का होता है, MSN का होता है, जो आपको सर्च इंजन चाहिए वो आप सिंपली यहाँ पर क्वेरी का जो होता है वो डाल दीजिए। ओके, तो इसके बाद आपको मेन पार्ट होता है किसी भी वेब ब्राउज़र का, कि आपका जो बैक बटन होता है उस पर प्रेस करने के बाद आपका जो पेज है वो बैक जाना चाहिए, जो हमारा पिछला वाला वेब पेज है वो आना चाहिए, जो स्टोर होता है वेब ब्राउज़र में कि पिछला वाला पेज कौन सा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सुपर ऑन बैक प्रेस जो मेथड आती है उसके नीचे हम लेंगे इफ़ वेब व्यू, चेक करेंगे हम पहले कि बैक जा पाएगा या फिर नहीं, अगर जा पाएगा तभी बैक जाएगा, नहीं तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर कैन गो बैक होगा, तो हम यहाँ पर डालेंगे कैन सॉरी गो बैक सिंपली मेथड होती है वो हम लेंगे वेब व्यू की, और एल्स में लेंगे हम फिनिश, फिनिश मतलब एक्टिविटी क्लोज मतलब एप्लीकेशन क्लोज विषय संपला। तो हम फिर से एक बार रन करते हैं, तो अभी जो है वो ये जो मेथड है इसकी वजह से कोई एग्जीक्यूट नहीं हो, मैंने ट्राई को रन किया था लेकिन वो क्या हुआ वो पी मिनिमाइज़ हो गया, तो आपको दिखा नहीं। तो अभी मैं फिर से एक बार रन करता हूँ, जो सुपर ऑन बैक प्रेस की जो मेथड थी वो लाइन थी स्टेटमेंट वो निकाल देना आपको ऑन बैक प्रेस से, तभी वो लेगा आपका जो गो बैक वगैरह, नहीं तो वो उधर ही ख़त्म हो जाता है उसका। तो यहाँ पर मैं भी डालता हूँ एक, यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ ये जो COVID-19 वैक्सीन की जो लिंक है इस पर क्लिक करता हूँ और बैक प्रेस करता हूँ, तो अभी देख सकते हो गूगल पे आ गया वापस से मैं। तो ये गो बैक तभी वर्क करेगा जब आपकी सुपर जो मेथड है वो नहीं क्या पहले नहीं ली होगी तभी वर्क होगा, पहले लिया आपने तो तभी उसका जो विषय वो एंड हो जाता है, बाकी का जो एग्जीक्यूट नहीं करता आगे का जो होता है वो स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आपको करना है गो बैक, और वैसे ही आप गो फॉरवर्ड भी होता है, गो फॉरवर्ड मतलब आगे का जो पेज है उस पर भी आप जंप कर सकते हो, लेकिन आपको वो अलग सा डिज़ाइन करना होगा एप्लीकेशन को, तभी आप उससे सही तरीके से कर सकते हो। उसके बाद रीलोड का फंक्शन आता है, मेथड आती है, वो आप यूज़ कर सकते हो जिससे रीलोड कर सकते हो पेज को, स्वाइप डाउन टू रीलोड होता है, उस तरीके से अलग अलग बहुत सारे होते हैं। तो ये सिंपल एप्लीकेशन था, यहाँ पर एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ इसको, ये मिनिमाइज़ हो जाता है, फिर से एक बार दिखा रहा हूँ आपने अगर देखा नहीं होगा तो। यहाँ पर हो गया ओपन, मैं फिर से एक बार COVID-19 वैक्सीन पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद बैक प्रेस करूँगा, फिर से गूगल पे आ गया। अभी मैं जाऊँगा यूट्यूब पे, यूट्यूब हो गया, अभी मैं बैक जाऊँगा तो गूगल आ गया, फिर से बैक जाऊँगा यहाँ पे, तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से गो बैक का मेथड वर्क करेगा हमने जो डिफाइन किया अभी ऑन बैक प्रेस मेथड से। तो इस तरीके से आप एक वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हो सिंपल सा, अगर आपको इसमें बहुत प्रोफेशनली आपको डिज़ाइन करना है, मतलब उसमें आपको बैक का बटन देना है अलग सा, उसके बाद रिलोड का देना है, होम का देना है, मोर ऑप्शन देना है जिसमें आप बुक मार्क सेव कर सकते हो, हिस्ट्री सेव कर सकते हो, तो उस तरीके से आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट डाउन कीजिए मुझे कि इस तरीके से आपको वीडियो चाहिए इसके रिगार्डिंग, किस तरह से डिफाइन करना है वो, किस तरह से डिज़ाइन करना है एप्लीकेशन को, तो उसके रिगार्डिंग भी दूसरा पार्ट तीसरा पार्ट ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन अगर इस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स आया और आपने बताया मुझे कि करना है तो मैं ज़रूर करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।